हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड लर्न टू बिकम वेब डेवलपर, गेम डेवलपर, मोबाइल एप्स डेवलपर, डेस्कटॉप डेवलपर एंड एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम डेवलपर। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमको कौन सी लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको लर्न करनी चाहिए या सीखनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम बन सकते हैं वेब डेवलपर। कौन सी लैंग्वेज हमको सीखनी चाहिए जिससे हम वेब डेवलपिंग कर सकें, वेब डेवलपर बने, और कौन सी लैंग्वेज हम सीखें जिससे हम गेम को डिज़ाइन करना सीखें, गेम को डेवलप करना सीखें, या बोलिए गेम डेवलपर बनना सीखें, और कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिनके लर्न करने से हम मोबाइल की एप्स को डेवलप करना सीख सकते हैं, और कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिससे डेस्कटॉप डेवलपर बना जा सकता है, और कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिससे एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम डेवलपर बना जा सकता है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, काफ़ी कॉलेज आउटगोइंग स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आता रहता है, पर्सनल मैसेज भी आते रहते हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज सीखें, ठीक है, जिससे हमको वेब डेवलपिंग, कोई वेब डेवलपिंग में जाना चाहता है, कोई गेम डेवलपिंग में जाना चाहता है, ठीक है, बट उनको आइडिया नहीं रहता कि किसने तो वेब डेवलपिंग करनी है, बट उनको आइडिया नहीं रहता कि हमको कौन सी लैंग्वेज करें जिससे हम वेब डेवलपिंग कर सकते हैं, या किसने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, तो उनको ये आइडिया नहीं रहता कि अब हम कौन सी लैंग्वेज करें जिससे हम मोबाइल की एप्लीकेशन की डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेरा उसी बात पे है, जिससे आप सभी को जो बीसीए के स्टूडेंट है, एमसीए के स्टूडेंट है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि वेब डेवलपर किससे बना जा सकता है, गेम डेवलपर किससे बना जा सकता है, कौन सी लैंग्वेज को लर्न करके बना जा सकता है, मोबाइल एप्स डेवलपर किस लैंग्वेज को लर्न करके बन सकते हैं, डेस्कटॉप डेवलपर जो कि काफ़ी कम रहते हैं किससे बना जा सकता है, और एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम डेवलपर किससे, किस लैंग्वेज को लर्न करके बना जा सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड लर्न टू बिकम अ वेब डेवलपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले मैंने, क्योंकि वेब डेवलपर यहाँ पे काफ़ी मात्रा में निकलते हैं, सबसे ज़्यादा वेब डेवलपिंग ही करना पसंद करते हैं, ठीक है, थोड़ी इजी भी रहती है, इसलिए वेब डेवलपिंग मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको कौन सी लर्न करनी चाहिए जिससे हम वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो सबसे जो पहला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है वो आता है HTML, ठीक है। HTML आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विद CSS, ठीक है, जिससे आप एक बहुत ही अच्छी वेब डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकते हो। वेबसाइट डिजाइन करना, डेवलप करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा जब आपने HTML यहाँ पे कर लिया। ये तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा जो ऑप्शन है जो हमारे पास रहता है वेब डेवलपमेंट का, वो रहता है PHP। जी हाँ, PHP दूसरा सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। PHP आप PHP करो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। HTML काफी ईजी है, सिंपल है, PHP कर लो आप, काफी ईजी है, सिंपल है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन रहता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, ये है जावा। आप जावा करके भी वेब डेवलपिंग कर सकते हो, ठीक है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोर आया जावा के साथ, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, आप जावा सीख सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो जब आपको वेब डेवलपिंग करनी हो, ठीक है, ये सेम पैकेज में रहता है, ठीक है, जावा का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। और सबसे जो हॉटलाइन आजकल चला हुआ है, सभी इसकी बात कर रहे हैं, पाइथन, आप पाइथन भी सीख सकते हो जिसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकते हो। और एक हमारे पास और लैंग्वेज है रूबी, ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज लगती है मुझे रूबी, ठीक है, आप इसको लर्न करके भी वेब डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके पास यहाँ पे ये 6 लैंग्वेज रखी है, HTML, PHP, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड रूबी, ठीक है। आप इन 6 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट कर लो और उसमें आप आगे वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है गेम डेवलपर, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड लर्न टू बिकम अ गेम डेवलपर। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे लैंग्वेज आती है गाइज, वो है सी लैंग्वेज, ठीक, सी प्लस प्लस एंड C#, ठीक है। ये 3 ऐसी लैंग्वेज है जिनका प्लेटफॉर्म कुछ सेम सा रहता है, ठीक है। आप सी लैंग्वेज या C++ में या आप C# में गेम को डेवलप करना सीख सकते हैं, अगर आप गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, गेम को डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपका इसके प्रति काफी शौक है, तो आप सी लैंग्वेज, C++ या C# सीख सकते हैं, जिससे आप एक गेम डेवलपर बन सकते हैं। और देखिए यहाँ पे
मैंने आपको काफी बोला था जावा के बारे में कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जावा भी यहाँ पे आप जावा भी सीख सकते हो, किसके लिए, गेम डेवलपर बनने के लिए, और साथ ही साथ आप यहाँ पे पाइथन भी सीख सकते हो। अगर आपने पाइथन सीखा है फिर भी आप गेम डेवलपिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक और लैंग्वेज है हमारे पास, और वो लैंग्वेज है रूबी। जी हाँ ठीक है। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी इसमें कि हमारे पास जावा और पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज होते हैं, और गेम डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास जावा और पाइथन यूज होती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने जावा सीखी या पाइथन सीखी या कोई भी एक सीखी तो आप इससे वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो और गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे है मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, कि कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिससे हम मोबाइल की एप्स को डेवलप करना सीख सकते हैं। और यहाँ पे काफी अच्छी लैंग्वेज है कॉटलिन। ठीक है, आप कॉटलिन से मोबाइल की एप्स को डेवलपमेंट कर सकते हो, डार्ट से कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए गाइस फिर से आ गया जावा एंड पाइथन। ठीक है, अगर आपने पाइथन और जावा यहाँ पे सीख ली तो आप क्या कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट भी कर सकते हो और गेम डेवलपमेंट भी यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, जस्ट जावा सीख के और पाइथन सीख के। और ऑब्जेक्टिव सी भी एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्स की डेवलपमेंट कर सकते हो, और हमारे पास एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज रहती है स्विफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये 6 लैंग्वेज है जो काफी बेस्ट लैंग्वेज है मोबाइल की एप्स को डेवलपमेंट करने की। ठीक है गाइज, और यहाँ पे देखिए जावा और पाइथन यहाँ से फिर से आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रहेगा हमारे पास डेस्कटॉप डेवलपर। अगर आप एक डेस्कटॉप डेवलपर बनना चाहते हैं, डेस्कटॉप जैसे कि ये भी मेरा एक काम चला हुआ है जो ये विंडोज है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर इसके या इसके सॉफ्टवेयर आपने अगर डिजाइन करने हैं, डेवलप करने हैं, अगर आपको डेस्कटॉप डेवलपर बनना हो इन शॉर्ट, ठीक है, तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आपको आनी चाहिए एक तो सी लैंग्वेज, एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज और एक सी शार्प। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये रही कि डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जावा भी एक ऑप्शन है। ठीक है, पाइथन यहाँ पे नहीं रहता है, जावा बट है। ठीक है, जावा डेस्कटॉप डेवलपमेंट में भी यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, सी भी आ गई। ठीक है, सी से हम क्या कर सकते थे, गेम को डिजाइन भी कर सकते थे, सी प्लस प्लस से हम गेम को डिजाइन कर सकते थे और सी शार्प से भी हम गेम को डिजाइन यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, बट जावा एक यहाँ पे अकेली लैंग्वेज ऐसी निकली जो हम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और साथ के साथ गेम डेवलपमेंट भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम। इसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, सबसे पहली लैंग्वेज सी लैंग्वेज, फिर सी प्लस प्लस उसका एडवांस वर्जन, जिसने सी सीखा है उसके लिए सी प्लस प्लस कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, सेम लैंग्वेज है, जस्ट आपके सिंटेक्स डिफरेंट रहते हैं, बाकी हमारे पास ये लैंग्वेज जो है ये सेम रहती है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे आ गई पाइथन। ठीक है, पाइथन से अब भी आप इमेजिनेड सिस्टम प्रोग्राम बना सकते हैं, एक इमेजिनेड प्रोग्रामर बन सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक समझने लायक है, पाइथन और जावा, ये देखिए पाइथन और जावा, जावा देखिए वेब डेवलपमेंट में भी जावा आ गई। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जावा, ठीक है, जावा वेब डेवलपमेंट में भी आ गई, गेम डेवलपमेंट में यहाँ पे देखिए गेम डेवलपमेंट में भी आ गई, और मोबाइल एप्स डेवलपमेंट में देखिए यहाँ पे भी आ गई, डेस्कटॉप डेवलपमेंट में देखिए यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, इम्बेडेड में नहीं आती है, और पाइथन देखिए आप, पाइथन देखिए इम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम में भी पाइथन आ गई और डेस्कटॉप में नहीं है पाइथन जस्ट, और हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे पाइथन आ गई एंड गेम डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास यहाँ पे देखिए पाइथन आ गई एंड वेब एप्लीकेशन के लिए भी हमारे पास यहाँ पे देखिए आप पाइथन यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो एक छोटा सा एक निष्कर्ष निकलता है इसके ऊपर कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट ये सारी चीजें करनी हो तो आपको जावा आनी चाहिए या पाइथन आनी चाहिए या दोनों सीख लो। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप न्यू है तो आप जावा भी कर लो और आप पाइथन भी कर लो। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, सी एंड सी प्लस प्लस, आप सी लैंग्वेज भी सीख लो
और सी प्लस प्लस भी आप यहाँ पे सीख लो, ठीक है, क्योंकि यही चार लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट सभी जगह पे यूज हो रही है। अगर आपने सी सीख लिया तो सी प्लस प्लस भी आपको आ गई, अगर सी प्लस प्लस आ गई तो आपको पाइथन भी आ ही गया, और साथ के साथ जावा भी कुछ डिफरेंट नहीं है सी प्लस प्लस से, ठीक है, सेम। ये चारों लैंग्वेज मुझे वैसे सेम ही लगती है, बस डिफरेंट सिंटेक्स का है। इन तीन लैंग्वेज में तो सिंटेक्स का डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं, लॉजिक आपका सेम रहता है तीनों में। पाइथन तो सबसे ईजी है, ठीक है। सी की ट्यूटोरियल मेरे वीडियो विकास यूनिवर्सिटी जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं इसमें बनी पड़ी है। सी लैंग्वेज की भी मैंने बनाई हुई, आप प्ले लिस्ट में जाके सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल भी मैंने पहले से बनाए हुए हैं, बना रहा हूँ, ठीक है, आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। सी भी मैंने बना दिए। अगर आप नेक्स्ट आप खुद ही मुझे बताएंगे कि मैं कौन सा बनाऊँ, जावा के ऊपर ट्यूटोरियल बनाएं, सी शार्प के ऊपर बनाएं, रूबी के ऊपर बनाएं या पाइथन के ऊपर बनाएं, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया आपके लिए चार लैंग्वेज सबसे बेस्ट है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने चार लैंग्वेज सीख ली, नंबर वन पाइथन, ठीक है, नंबर वन पाइथन, नंबर टू जावा, नंबर तीन सी प्लस प्लस और नंबर चार सी, अगर ये चार लैंग्वेज आपने सीख ली तो आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, डेस्कटॉप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, गेम डेवलपर भी बन सकते हो आप, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर भी बन सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामर भी आप बन सकते हो, ठीक है। मतलब कि जो आपकी सारी चीजें हैं, सारे क्राइटेरिया ये चार लैंग्वेज से यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। तो सी के ट्यूटोरियल बने पड़े हैं, सी प्लस प्लस के भी बने पड़े हैं। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि मैं जावा के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊं या पाइथन के ऊपर, ठीक है। इन चार लैंग्वेज को मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो होप आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपर और वेब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या डेस्कटॉप डेवलपर या एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामर आप कैसे बने, कौन सी लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हैं। होप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा, सभी स्टूडेंट्स क्लियर हो गए होंगे कि उन्हें कौन सी लैंग्वेज आगे करनी है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज विकास यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।